दोस्तों, उस कौम ने हजरत ज़ुल्करनैन बादशाह से दीवार बना देने की दरख्वास्त की थी। बादशाह ज़ुल्करनैन ने उसको जवाब देते हुए लफ्ज रदम का इस्तेमाल किया, जिसके मानी रुकावट के हैं, यानी दो ऊंची दीवारों के दरमियान खला को भरकर रुकावट बना देना। तो हजरत ज़ुल्करनैन ने उस कौम से लोहा और तांबा मंगवाया और उसको भट्टियों में पिघलाकर पहाड़ों के दरमियान रास्ते को लोहे और तांबे से भर दिया। दोस्तों, अगर तहकीक की जाए तो जॉर्जिया का ये इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा लोहे और तांबे के ज़खायर रखने वाला मुल्क माना जाता है। तो इस तरह इस बात का कभी इम्कान है कि इसी इलाके में हजरत ज़ुल्करनैन बादशाह ने कौम याजूज व माजूज को लोहे और तांबे की दीवार से बंद कर दिया था और कौम याजूज व माजूज के लिए इस दीवार को तोड़ना नामुमकिन था। दोस्तों, याजूज व माजूज उस वक्त भी दुनिया की सबसे ताकतवर तरीन और ज़हीन कौम थी, जिसको शिकस्त देना नामुमकिन था, जिसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हजरत ज़ुल्करनैन बादशाह ने भी याजूज व माजूज के खिलाफ लड़ने के बजाय उससे बचने के लिए दीवार बनाने को ही तरजीह दी, जो इस बात का सबूत है कि उस कौम को ज़ेर करना नामुमकिन है। दोस्तों, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में उम्मती बनकर तशरीफ लाएंगे तो वो भी याजूज व माजूज की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकेंगे और एक पहाड़ी पर मोमिनीन के साथ पनाह ले लेंगे, हत्ता के अल्लाह पाक खुद फितना याजूज व माजूज को ख़त्म नहीं कर देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं याजूज व माजूज के खरूज की। क्या याजूज व माजूज आज भी अपने इलाके में कैद है या उनका खरूज शुरू हो चुका? तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि याजूज व माजूज का खरूज नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही शुरू हो गया था, जिसका हवाला हम सही मुस्लिम और सही बुखारी की मुतफिक्का और मुस्तनद हदीस से लेते हैं। हजरत ज़ैनब बिनते हवश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ़ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हों और फरमाया, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफसोस, सद अफसोस अरब के इस शर फितने पर जो अपनी हलाकत आफरीनी के साथ करीब आ पहुँचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है। ये कहकर आपने अंगूठे और शहादत की उंगली से हल्का बनाकर दिखाया। दोस्तों, इस हदीस मुबारका में बहुत वाज़े अंदाज में बताया गया है कि याजूज और माजूज का खरूज हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही होना शुरू हो गया था, यानी याजूज और माजूज ने इस दीवार में सुराख करने का तरीका सीख लिया था। दोस्तों, हदीस मुबारका के मजीद हिस्से में अरब का भी जिक्र है कि इन पर इस फितने का पहला या ज्यादा असर होगा, क्योंकि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के दौर में अरब ही थे जिन्होंने याजूज और माजूज से जंग की थी। दोस्तों, याजूज और माजूज की कौम को तारीख में कई नामों से जाना जाता रहा है। याजूज और माजूज गोग एंड मैगोग, स्कैथियंस, खज्र और कौम खिज्र। मुस्लिम उम्मा अपनी तारीख में इसको कौम खिज्र या अशखनास के नाम से भी जानती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं याजूज व माजूज अगर इंसान है और बनी आदम से है तो फिर हर सूरत याजूज और माजूज कहीं ना कहीं आबाद जरूर होंगे। तो इसी का जवाब हमें बादशाह अब्दुल रहमान के एक यहूदी वजीर हसदई और कौम खिज्र के बादशाह जोसेफ के दरमियान खतो किताबत के रिकॉर्ड से मिलता है। दोस्तों, हसदई एक यहूदी था और अब्दुल रहमान सोइम का वजीर था। उसको इस बात के जानने का काफ़ी इश्तियाक था कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से किसी कबीले ने दुनिया में अपनी बादशाहत कायम की है या नहीं। ये सवाल वो अपने अक्सर सफीरों से करता था जो दुनिया में मुख्तलिफ इलाकों से वापस आते रहते थे। उसके एक सफीर ने बताया कि एक यहूदी रियासत कुस्तनतुनिया से 15 दिन के आबी सफ़र पर मौजूद है, जिसे अल-खिज्र के नाम से जाना जाता है, और ये कौम कुस्तनतुनिया के साथ तिजारत भी करती है और ये बहुत ताकतवर कौम है और आसपास की कौमों पर हमला आवर भी होती रहती है।
हजदई ने इश्तियाक में आकर अलखिजर के बादशाह जोसेफ को खत लिखा कि वो बनी इसराइल के किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इस खत के जवाब में अलखिजर के बादशाह जोसेफ ने जो कुछ लिखा वो बड़ा ही हैरान कुन था। जोसेफ ने बताया कि वो बनी इसराइल के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इनकी नस्ल ताफिस और उनके बेटे तगोरमा से आगे बढ़ी। उसने बताया कि उसके अबाओ अजदाद में बोलान नामी एक बादशाह था जो रोमन अम्पायर के दबाव और मुसलमानों के पै दर पै हमलों से तंग आकर अपनी पूरी कौम समेत यहूदी हो गया था। बोलान बादशाह ने यहूदी उल्मा को अपनी रियाया में बुलाया और यहूदियत को मजीद फैलाया और इनके लिए इबादत गाहें भी तामीर की। दोस्तों, आज भी लोग मानते हैं कि यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती, बल्कि यहूदी का बेटा या बेटी ही यहूदी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसकी ताज़ा मिसाल डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवानका ट्रंप का यहूदी से शादी करके यहूदी होना है। दोस्तों, बनी इसराइल जिनका कुरान पाक में बार बार जिक्र मिलता है अरब नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और गंदमी रंगत के मालिक हैं और जिन पर अल्लाह पाक ने लानत भेजी और दुनिया में तितर बितर कर दिया। और आज भी बनी इसराइल के यहूदी पूरी दुनिया में कहीं कहीं आबाद हैं और उनका अपना कोई मुल्क नहीं, जबकि इसराइल यहूदियों का वाहिद नाम निहाद मुल्क है जो सफ़ेद फार्म यहूदियों पर मुश्तमिल है। और ये यहूदी उसी बोलान बादशाह की नस्ल से हैं जिसने पूरी कौम के साथ यहूदियत अख्तियार कर ली थी, जबकि आज के ये सफ़ेद फार्म यहूदी खुद को बनी इसराइल से जाहिर करते हैं, जो हकीकत नहीं है। सूरह अंबिया में अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं, और जिस बस्ती को हमने हलाक किया इस पर लाजिम है कि वहाँ के लोग पलट कर वापस नहीं आएंगे। मजीद आगे अल्लाह सुबहाना व ताला फरमाते हैं, यहाँ तक कि याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। दोस्तों, इन आयात में जिस बस्ती के हलाक होने का जिक्र मिलता है वो यरूशलम है, जिस पर दो बार कब्जा किया गया और यहूदी इस कब्जे में हलाक हुए और दर बदर हो गए। और पलट के ना आने वाली बात भी सच हुई, क्योंकि जो यहूदी उस वक्त यरूशलम से निकाले गए वो दोबारा यरूशलम में वापस नहीं आ सके और आज भी पूरी दुनिया में तितर बितर है। और जिस कौम ने अब यहूदी रियासत इसराइल की बुनियाद यरूशलम में रखी है उसी बोलान बादशाह की कौम में से है जो अलखिजर कहलाती थी और सुर्ख और गोरी रंगत की हामिल थी। और दूसरी आयत मुबारका में कहा गया है कि याजूज और माजूज तुम पर खोल दिए जाएंगे, तो वो बात उस वक्त पूरी हुई जब पहली जंगे अजीम के बाद बोलानी नस्ल के यहूदियों को बरतानिया ने फलस्तीन में आबाद होने की इजाज़त दी। तो अलामा इकबाल ने याजूज और माजूज के खरूज को भांप कर उम्मत मुसलमा को फिक्र करने के लिए ये शेर लिखा, खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तस्वीर हरफे जुनसलून। दोस्तों, याजूज और माजूज की हर बुलंदी से हमला आवर होने से मुराद ये है कि जंग में ऊंची जगह पर काबिज होना कामयाबी की जमानत होता है। और आज देखा जाए तो यहूदी इस वक्त दुनिया के हर शोबे में सबसे ऊपर है और पूरी दुनिया का निज़ाम उनके हाथों में है, हत्ता के सुपर पावर अमेरिका भी इनके जेरे असर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बयान की गई सारी हकीकत और तारीख का अगर निचोड़ निकाला जाए, हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि याजूज और माजूज असल में ये गोरी रंगत वाले कौम खिजर से ताल्लुक रखने वाले यहूदी ही हैं जो अब पूरी दुनिया पर काबिज हो चुके हैं और लोगों पर मजहबी मुआशी नफ्सियाती लिहाज से हमला आवर होकर तबाह कर रहे हैं और हर कामयाबी की हर बुलंदी पर मौजूद होकर हमला आवर हो रहे हैं और अपने मसीहा दज्जाल के मुंतजिर हैं और इसकी फौज के सहूलतकार और हिस्सादार भी होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की हकीकत पर मबनी इस वीडियो में आपको याजूज और माजूज की असल हकीकत के बारे में सब कुछ वाजे हो गया होगा और आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हमें और पूरी उम्मत मुस्लिमा को फितना याजूज व माजूज से महफूज रखे।
अपना और अपने घर वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। वमा इलैना इल्लल बलागुल मुबीन।